Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan Educate. I am here from Iqbal International Law Services. Hello viewers. Today we are here for the legal topic how to register a trademark. How to register a trademark. कि trademark किस तरीके से register कराया जाता है. देखिए trademark होता क्या है basically. देखिए trademark एक ऐसा साइन होता है, एक ऐसा मोनोग्राम होता है, एक ऐसा नाम होता है जो किसी एक बिज़नेस के लिए मुख्तस. हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा ये नाम है, हमारे नाम की जो साख है वो कोई और यूज़ ना कर सके. और हम एब्सोल्युटली तौर पर, एक्सक्लूसिवली तौर पर ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए. हमारे बिजनेस, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे बिजनेस का एक नाम हो गया, हमारे बिजनेस की एक साख हो गई और हम चाहते हैं कि कोई इसको यूज ना कर सके, कोई इसको मिस यूज ना करे, कोई हमारे नाम से बिजनेस ना करे. मेहनत हमने की है, स्ट्रगल हमने की है, हमने एक नाम बनाया है इस सोसाइटी में, हमने एक नाम बनाया है इस कंट्री में, आउट ऑफ पाकिस्तान या दूसरे कंट्री में, होल द वर्ल्ड, कहीं भी हमने एक नाम बनाया तो हमारे इस नाम को कोई मिसयूज़ ना कर सके. हम ही इसके मालिक हैं, हम इसके यूज़र्स हैं और हमारा ये बिजनेस है. तो उस जो हमारा जो मोनोग्राम है, जो हमारा वो एक निशान है, जो हमारा एक नाम है, एक्सक्लूसिव तौर पर हमारा नाम होना चाहिए. हम उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं ताकि कोई और इस नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट ना कर सके. देखिए इसके दो तरीके. पहली बात तो ये कि हम ये बिजनेस पहले कुछ अर्सा से कर रहे हैं. सूरत हाल तो ये होती है कि हम 5 साल 10 साल 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं एक नाम के साथ. अब हम चाहते हैं, चूंकि हमारा ये नाम बहुत मशहूर हो चुका है, हमारा एक साख हो चुकी है, तो क्यों ना हम इसको रजिस्टर करा दिया जाए. एक तो तरीकेकार ये. दूसरा ये है कि हम नए सिरे से काम करना चाहते हैं, नए सिरे से हम काम करना चाहते हैं तो हम एक नाम रखना चाहते हैं, तो उस वो नाम जो फिर हम उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्टर करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके लिए क्या करना. देखिए ये पहली बात तो ये है, अगर हम कोई पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं 2 साल 5 10 साल, तो सबसे पहले तो हमें उसका, अगर हम उस नाम के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि क्या हमने उसके एडवर्टाइजमेंट दी, न्यूज़पेपर में आया, और इसके अलावा ये हमारे पब्लिकेशंस हैं, हमने यहाँ यूज़ किया, हमने वहाँ यूज़ किया. तो सबसे पहले तो हमें उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हम इतने अरसे से, उसका प्रूफ देना पड़ेगा 5 10 साल, ताकि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं अगर कोई अपोजिशन आती है तो वो जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हमारे हक में फैसला कर सके कि क्योंकि हम 5 साल से इस्तेमाल करें इसलिए हमारा ये राइट बनता है कि इसको हम रजिस्टर करा सके. एक सूरत हाल तो ये होगा. दूसरी सूरत हाल ये है कि हम नए सिरे से न्यू एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, निया एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक नाम, उसके लिए ये होगा. तो अगर हम निया बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, हमने एक सजेस्ट किया, हमने एक सोचा ये नाम रखना जाते, तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्च सर्टिफिकेट लेंगे. सर्च सर्टिफिकेट लेंगे, अगर उससे मैच, उससे आइडेंटिकल अगर कोई नाम है तो ऑफ कोर्स हमें वो चेंज करना पड़ेगा. और हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई इससे मिलता जुलता नाम तो नहीं है. अगर होगा तो वो साफ जाहिर है ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, वो रजिस्टर नहीं होगा, तो उसको हमें फिर चेंज करके फिर नए नाम हम देंगे उसके सर सर्टिफिकेट. जितने भी नाम होंगे उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगेंगी, उसके लिए अलग अलग फीस लगेगी और सर्च होगा. फॉर एग्जाम्पल अब हम नाम रख रहे हैं ए बी रख रहे हैं, ए बी को पहले हम सर्च कराएंगे, ए बी का नाम ऐसे मिलता जुलता नाम तो कोई नहीं है. अगर वो नहीं है तो ऑफ कोर्स हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं. अगर है तो फिर उसके बाद हम दूसरी एप्लीकेशन दें, सी ओ डी रखना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन देंगे, सर्च कराएंगे. अगर वो भी कोई यूज़ कर रहा है मिलता जुलता किसी का तो उसको छोड़ के फिर तीसरी और एप्लीकेशन, कोई और नाम हम रखते हैं, डी एफ रखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हम सब सर्टिफिकेट लेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करेंगे. वो अगर कहते हैं कि ठीक है ये कोई यूज़ नहीं कर, तो फिर हम उसके लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं. ये तरीकेकार होता है, यानी प्रूफ देना होगा कि आप या तो मालिक हैं, या तो उसके लिए हमें सर सर्टिफिकेट, या तो फिर हमें सर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इस नाम का कोई और नहीं है. अब देखें यही मैंने आपको बताया, दो तरीके, ऑलरेडी यूज़ करें या न्यू करें, वट एवर जो भी सूरत हाल है. अब तरीका क्या, इसमें कौन से कानून लागू होते हैं. देखिए इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो एक वर्ल्ड का, एक हर कंट्री में हर जगह हम इसको एक इंटरनेशनल तौर पर रजिस्टर करा सकते हैं. पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में कराना चाहते हैं. देखिए इसमें जो लॉ इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 का, और इसके अलावा ट्रेडमार्क एक्ट है 1940 का, और ट्रेडमार्क रूल्स हैं 2004 के. ये तीन लॉज हैं जो इन पर लागू होते हैं. ट्रेडमार्क रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में इनका ऑफिस है, जहाँ का रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब देखें
उसके लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन, अगर हम सर्च निकलवा रहे हैं तो सर्च के लिए मैंने आप जैसे आपको कहा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हमें TM55 फॉर्म पर अप्लाई करना होगा। TM55 पर सर्च सर्टिफिकेट के लिए अंडर रूल 87 के तहत हम अप्लाई करेंगे। अगर वो किसी से मैच नहीं कर रही तो हम इसको आगे जा सकते। आगे जाने के लिए ये होगा कि हम उसके लिए फिर अप्लीकेशन देंगे, ट्रेडमार्क वन फॉर्म इस्तेमाल होगा, TM1 के तहत अप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कि गुड्स या सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 22(1)(84)(2) रूल्स 12 के तहत अप्लीकेशन देंगे। और उसके बाद उसका प्रोसीजर यही होगा कि आप अप्लीकेशन हम फाइल करेंगे, उसकी कापियाँ लगेंगी और जो निशान है जो हमारा ट्रेडमार्क है उसके भी कॉपी हम देंगे, और इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जमा होगी, फीस जमा होगी, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, हमें बताएंगे कि अप्लीकेशन रिसीव हो गई है। उसके बाद फिर आ गया, अगर उसमें तरीक़ेकार पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन के बाद देखा जाएगा कोई अपोजिशन अगर आती है तो वो जवाब फाइल करेगी, फाइनल आर्डर होगा उसके, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो उसके अपील करेंगे। अगर कोई अपोजिशन नहीं आती पब्लिकेशन उनके अपने उसमें जो वो है रिसाला है जो मैगज़ीन है उसका उस पे पब्लिकेशन वो की जाएगी, ये नाम है हमने अप्लाई किया, अगर कोई अपोजिशन होगी इस नाम को रिलेटेड होगा तो आ जाएगी, तो उसके लिए फिर तरीक़ेकार ये है वो आके जवाब देंगे, ऑब्जेक्शन देंगे, हेयरिंग होगी और आर्डर होगा। अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो ठीक, नहीं तो हम उसके खिलाफ अपील भी फाइल कर सकते। अब अगर टाइम गुजर जाता है, पब्लिकेशन हो जाती, कोई अपोजिशन अगर नहीं आती तो उस सूरत में फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में लेटर लिखेगी कि ये आप कोई नहीं, आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये फीस इसके रजिस्ट्रेशन की अब पे करें ताकि उसको आपको सर्टिफिकेट इशू किया जा सके। तो वो हम स्पेक्युलेटेड जो टाइम होगा हम उसको फीस पे करेंगे और फीस करने के बाद जो है वो हमें सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से। इस तरीके से हमारा बिजनेस जो है ना, फिर हमारा बिजनेस जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा और हमारे इस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। ये था तरीक़ेकार कि हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, कि हम ट्रेडमार्क किस तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए कि एक नया टॉपिक सब फिर मिलेगी। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।